हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा आर्मी की मैथमेटिक्स के क्वेश्चन दोस्तों, जो आपके गत वर्षों में कई बार पूछे गए और जिनकी बहुत बहुत पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आराम से दोस्तों आप वीडियो को देखेंगे और सभी क्वेश्चन को तैयार करेंगे। और देखिए दोस्तों, शुरू करने के पहले थोड़ी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं, आराम से आप क्वेश्चन को देखें। कॉपी और पेन आप जरूर निकाल लें दोस्तों, ताकि आप बीच में नोट करते रहें, क्योंकि यहाँ पर आप देखते रहेंगे, मिटाते रहेंगे और देखते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या देखता है आपको, श्रृंखला वाला दोस्तों एक अवश्य क्वेश्चन आता है आर्मी में। यहाँ पर देखिए आपको, कभी दोस्तों आपका रॉन्ग टर्म निकालने को आता है, कभी आपका मिसिंग टर्म निकालने को आता है। तो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन दिया है, इसमें आपको मिसिंग टर्म निकालना है। तो श्रृंखला में आपको रिक्त पद बताना है क्या होगा। श्रृंखला आपको दिया दोस्तों 5, 6, 14, 41 और 105। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, नंबर को लिखेंगे 5, फिर आपको दिया 6, फिर आपको 14 दिया है, फिर आपको 41 दिया है और फिर आपको दिया 105। आप दोस्तों इनके बीच के गैपिंग निकालिए। पहले में आपका 1 है, दूसरे में आपका 8 है, तीसरे वाले में दोस्तों आपका कितना है 27 और फिर आपका 64। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर आप गौर से देखें नंबरों को, तो इनमें एक प्रॉपर्टी दोस्तों आप निकालते हैं, एक कोई भी आपका नियम लगना चाहिए। यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों, 1 का क्यूब है, ये आपका 2 का क्यूब है दोस्तों, और वैसे ही आपका 3 का क्यूब है, और वैसे ही आपका 4 का क्यूब है। तो कहने का मतलब है दोस्तों, आपका लगातार क्यूबिक नंबर ऐड हो रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा ऐड होगा, 5 का क्यूब, जो कि आपका 5 25 25 125 होता है। तो 125 को दोस्तों आप जोड़ेंगे 105 में, तो आपको मिलेगा 230 मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका पहला वाला ही दिखता है, तो पहले वाले में आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, यहाँ पर आपको देखिए इकाई नंबर बताना है दोस्तों। आपको घातें दी हैं, 7 की घात 95 दी है और 3 की घात आपका 58 दी है। दोनों को आपको माइनस करके इकाई नंबर बताना है दोस्तों। आप पहले दोनों को अलग अलग निकाल लेंगे, बाद में आप घटा लेंगे। तो आप पहला काम क्या करते हैं, देखिए आप देखते हैं कि आपका कौन सी वाली घात में 1 आता है। हमेशा आप देखेंगे दोस्तों, आपको 7 की घात कौन सी वाली होगी जिसमें आपको 1 मिलेगा, आप देखते हैं। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा, उससे दोस्तों आपका शॉर्ट में आपका आंसर आएगा। तो इसका आपका दोस्तों 7 की पावर 4 में आप देखते हैं तो आपको 1 मिलता है दोस्तों। हमेशा आप निकाल के देखें, 7 × 7 × 7 × 7 करें तो वहाँ पर आपको इकाई का नंबर 1 मिलेगा। और वैसे ही दोस्तों 3 की घात 4 में भी आपको इकाई का नंबर 1 मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे दोस्तों, 7 की घात 4 के टर्म में आप इनको लिखेंगे। देखिए 7 की घात 4, अब देखिए आपका 95 को आपको लिखना है, तो यहाँ पर आप कितना करेंगे दोस्तों बाहर, यहाँ पर आप कैसे निकालेंगे, देखिए 95 का दोस्तों आप 95 को आप बट्टा 4 करेंगे, तो भाग देने पर दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए क्या मिलता है, 23 बार भाग जाता है दोस्तों पूरी बार, तो 23 बार पूरी बार भाग जाएगा, तो आप 23 यहाँ पर लिख दें बाहर, और गुणा दोस्तों जो आपका बचा है उससे आप लिख दें। क्या बचा आपका, 23 बार गुणा करने पर दोस्तों आपका 92 आता है, तो बचा क्या दोस्तों आपका, आपका 3 बचा, तो 3 जो आपकी घात बची है दोस्तों आप यहाँ पर अलग से कर देंगे, 7 की घात 3। तो ये आपको याद रखना है, यही आपको कॉन्सेप्ट हर एक में याद लगाना है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, ये तो आपका बनाएगा, ये आपका फ़ायदा यही रहता है दोस्तों आपका, इससे ये आपका हमेशा बनाएगा। तो ये आपका 1 हो गया गुणा, यहाँ पर दोस्तों आपका इकाई नंबर क्या आएगा, 7 × 7 × 7 करेंगे तो आपका 749 और वहाँ पर आपका 963, अर्थात 3 आपका दोस्तों मिलता है। और वैसे ही आप निकालिए 3 को, बिल्कुल ऐसे ही आपको निकालना है 3 वाले को भी। तो 3 की घात पहले आप 4 करें, बाहर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर आप निकालेंगे 58 बट्टे 4 करेंगे तो आपको देखिए कितनी बार भाग जाएगा, 14 बार पूरी बार भाग जाएगा, तो 14 कर देंगे गुणा जो आपका शेष बचा दोस्तों, आपका 3 की घात यहाँ पर आ जाएगा। शेष बचेगा दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए 2 बचेगा, तो 2 आपने यहाँ पर कर दिया, तो इसका तो दोस्तों आपका 1 आएगा इसका भी, और गुणा दोस्तों आपका 3 × 9, तो यहाँ पर आपको 9 मिला। अब दोस्तों आपको घटाना है, 3 − 9 = 6, माइनस का 6 आएगा, लेकिन दोस्तों आपको देखिए चूंकि आपको इकाई का नंबर बताना है, तो आपको माइनस से कोई लेना देना नहीं है, तो आपका 6 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, किसी संख्या को लगातार 3 तथा 5 से भाग देने पर क्रमशः आपको 2 तथा 1 शेष बचता है, तो उस संख्या को 15 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। इसके लिए दोस्तों एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो आपका भाजक होता है दोस्तों उसके साथ में भाज्य और शेषफल का संबंध क्या होता है। जो भाज्य होता है दोस्तों, भाज्य अर्थात जिसमें भाग दिया जाता है, बराबर होता है दोस्तों आपका भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये आप लिख लेंगे दोस्तों, तभी आप यहाँ पर लगा पाएंगे। मान लीजिए आपका भाजक दोस्तों आपका कोई भी नंबर है 1 से है, और बराबर दोस्तों आपका इसे आप मान लें क्यू, जो आपका भागफल होता है दोस्तों आपका क्वांटियन कहलाता है का, जो भाजक है आपका डी मान लें और प्लस आपका रिमाइंडर आर मान लें,
तो ये दोस्तों आपको फॉर्मूला याद रखना है और यहाँ पर आपका यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए आपका कोई नंबर एन था शुरुआत में, उसमें दोस्तों आपने तीन से भाग दिया, तो तीन से भाग देने वाला क्या है दोस्तों, आपका भाजक है। तो भाजक अर्थात डी आपका यहाँ पर क्या है, तीन है। और वैसे ही दोस्तों आपका शेषफल क्या आया, शेषफल आपको यहाँ पर दिया पहली बार में दो आया। भागफल दोस्तों आपको यहाँ पर पता नहीं है, तो आप भागफल को भी मान लेंगे क्यू, तो आपने क्यू मान लिया भागफल को। तो इससे दोस्तों पहला वाला इक्वेशन क्या बनेगा, एन बराबर तीन गुणा क्यू आएगा और प्लस दोस्तों आपका शेषफल आपका दो है तो दो आएगा, इक्वेशन नंबर वन। वैसे इक्वेशन नंबर टू में क्या करेंगे आप, मान लें दोस्तों लगातार, चूंकि आपको जब भी भाग देना आप याद रखेंगे, लगातार आपको कहा गया तो पहली बार में आपने दोस्तों भाग दिया तो आपको क्यू मिला भागफल, तो दूसरी बार में दोस्तों आप पाँच से भाग किसमें देंगे, क्यू में देंगे, तो ये आप याद रखेंगे। तो क्यू में भाग देने पर वही आपका अप्लाई होगा दोस्तों, जैसे आपने ऊपर वाले इक्वेशन को निकाला, क्यू बराबर आपका क्या आएगा दोस्तों, मान लीजिए आपका भागफल यहाँ पर आपने एफ मान लिया, भागफल को आप दूसरे वाले में मान लें एफ, पहले वाले में क्यू है भागफल, दूसरे वाले में आपने माना एफ माना दोस्तों, तो यहाँ पर आपका क्यू बराबर क्या, पाँच से भाग देना है तो पाँच एफ और प्लस दोस्तों आपका शेष बचता है एक, तो इक्वेशन नंबर दो। अब यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों, क्यू का मान आप यहाँ पर रख देंगे, पुट कर देंगे, तो आपको एन बराबर क्या मिलेगा, तीन अंदर आपका दोस्तों फाइव एफ और प्लस वन और बाहर दोस्तों प्लस टू। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिटाते हैं ऊपर, ऊपर आप देखिए दोस्तों इसी को आगे बढ़ाते हैं, तीन से आप अंदर गुणा करेंगे दोस्तों तो आपका एन बराबर क्या मिलेगा, आपको तीन पंचे पंद्रह एफ और प्लस, देखिए तीन गुणा एक करेंगे आपका तीन आएगा और प्लस दो आपका बाहर है तो पाँच आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप जब पंद्रह से भाग देंगे इस नंबर में दोस्तों तो आपको क्या मिलेगा, आपको दोस्तों देखिए इसमें तो पूरी बार भाग चला जाएगा, जो आपका शेष बचेगा दोस्तों आपका पाँच बच जाएगा, तो यहाँ पर आप कहेंगे पाँच दोस्तों आपको रिमाइंडर मिलेगा। तो ऐसे दोस्तों आप निकालते हैं इन क्वेश्चनों को। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर तथा लंबा तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, तो इसकी छत के नीचे दोस्तों आपको नीचे वाले भाग पर कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स लगेंगी आपको बताना है। यहाँ पर देखिए सर्वप्रथम आप क्या करेंगे दोस्तों, एरिया निकालेंगे, तो एरिया निकालने के लिए आप पहले लंबाई को निकालें, लंबाई बराबर आपको दिया दोस्तों, देखिए 17 सेंटीमीटर कहने का मतलब है दोस्तों आपका एक मीटर में आपको पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 1500 प्लस 17 कर देंगे, तो ये आपको मिलेगा दोस्तों 1517, तो पहला आपका आ गया लंबाई 1517 सेंटीमीटर में। और वैसे दोस्तों आप चौड़ाई को लेंगे तो चौड़ाई आपकी आएगी दोस्तों 9 गुणा 100 करेंगे आपका 900 प्लस 2 902 बराबर 902 आ गई सेंटीमीटर में। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, आपको चूँकि क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा पहले, दोनों को आप गुणा कर देंगे तो आपका एरिया आएगा, जो आपका क्षेत्रफल आएगा दोस्तों दीवार का छत का, वो आपका आएगा 1517 गुणा 902, तो ये आपका आ गया एरिया सेंटीमीटर का स्क्वायर में। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको निकालना है टाइलें कितनी लगेंगी, तो इसके लिए दोस्तों आपको देखिए पहले बड़ी से बड़ी टाइल आपको निकालनी पड़ेगी, उसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, बड़ी से बड़ी टाइल निकालने के लिए आप दोस्तों दोनों का मौसम निकालते हैं। आप याद रखेंगे जब भी आपको दोस्तों बड़ी से बड़ी टाइल निकालनी पड़ेगी, आपको देखिए चूंकि पूछा गया कम से कम कितनी टाइलें लगेंगी, तो कम से कम टाइलें लगाने के लिए दोस्तों आपको बड़ी से बड़ी टाइल लगानी पड़ेगी, तो ये आप थोड़ा सा याद रखेंगे कॉन्सेप्ट को, कम से कम यदि आपको टाइलें लगानी है तो वहाँ पर दोस्तों आपको बड़ी से बड़ी एक वर्गाकार टाइल लगानी पड़ेगी, तभी दोस्तों वो ज़्यादा कम टाइलों में दोस्तों आपका ज़्यादा एरिया को घेरेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, 1517 है एक आपका, दूसरा आपका दोस्तों 902 है, तो इसका मौसम आप कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसके लिए देखिए आपका एक मेथड आपको बताई थी दोस्तों हमने, भाग वाली मेथड बताई थी, तो उसके आधार पर आप निकालेंगे, ये थोड़ा सा आपका लंबा होगा, इसे आप नोट कर लें दोस्तों आपका एरिया को, तो आपको बताते हैं यहाँ पर देखिए आपको भाग वाली मेथड से आपको बताते हैं कैसे आप मौसम निकालते हैं। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, जब मौसम निकालते हैं तो बड़ा नंबर पहले आप अंदर रखिए, अंदर आप लगाएंगे 1517 को लिखेंगे और बाहर दोस्तों आपका आएगा छोटा वाला नंबर 902, तो इससे पहले आप भाग देंगे दोस्तों, तो भाग देने पर देखिए पहली बार में जाएगा एक बार, तो यहाँ पर आपका आएगा 902 और घटाएंगे दोस्तों आप, तो घटाने पर आपको मिलेगा 615, ये आया। फिर इसमें दोस्तों आप इससे भाग देंगे किस में, 902 में, तो 902 में आपने भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, ये भी दोस्तों आपका एक बार जाएगा, तो एक बार गया तो यहाँ पर आपका 615 आएगा और घटाने पर दोस्तों आपको मिलेगा 287, और फिर दोस्तों इससे आप भाग देंगे काहे में, 615 में, तो इससे दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए भाग कितनी बार जाएगा, दो बार जाएगा और नीचे दोस्तों आपको मिलेगा 574,
ये आपका आ गया। तो घटाने पर दोस्तों आप जब घटाएंगे, यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर देखें आप, जब आप घटाएंगे दोस्तों आपको मिलेगा 41। अब देखिए 41 से जब आप भाग देंगे दोस्तों काहे में, 287 में भाग देंगे, तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए 7 बार जाएगा, और 7 बार जाएगा तो 287 आपका पूरी बार भाग चला गया, तो शेष आपको 0 मिला। अब देखिए दोस्तों मौसम कहता है, मौसम में क्या रूल होता है, जिससे भी भाग देने पर आखिरी बार में दोस्तों भाग देने पर 0 आता है वही मौसम होता है, अर्थात ये दोस्तों आपका मौसम हो जाएगा 41। तो ऐसे आप दोस्तों निकालते हैं, थोड़ा लॉन्ग है लेकिन आपको दोस्तों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो आप आराम से निकाल लेंगे। तो 941 का मतलब दोस्तों आपका जो टाइल होगी वर्गाकार उसका एरिया क्या होगा दोस्तों, 41 × 41 होगा, तो इसको आप लगा देंगे एरिया में लिख देंगे, तो इससे दोस्तों आपका क्या मिलेगा, आपको कितनी टाइलें लगानी होंगी, आपका जो दीवार का क्षेत्रफल है बट्टे टाइल का क्षेत्रफल आप लगा देंगे दोस्तों, तो आपका टाइलों की संख्या मिल जाएगी। तो जो आपका दीवार छत का था वो क्या था दोस्तों, 1517 × 902 और बट्टे दोस्तों आप कर देंगे 41 × 41। सिंपल है, भाग देने पर दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको क्या मिलेगा, 814 मिलेगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको कैलकुलेशन करना है, दशमलव वाला दोस्तों एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है, आपको दिया है 0.75 × 7.5, फिर यहाँ पर आपका −2 × 7.5 × 0.25 और फिर आपको दिया दोस्तों 2.5 × 0.25। यहाँ पर आप गौर से देखें, आप गुणा सीधे मत करें दोस्तों कभी भी, समय बहुत ज़्यादा लगेगा, यहाँ पर आप कोई फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे क्योंकि इन क्वेश्चनों में दोस्तों आपका कोई ना कोई फॉर्मूला आपका ज़रूर लगता है। अब यहाँ पर गौर से देखें 0.75 और 7.5 में कितना अंतर है दोस्तों, यदि आप 0.75 को दोस्तों आप लिख सकते हैं 7.5/10 और वैसे दोस्तों आप 0.25 को लिख सकते हैं 2.5/10, तो आप यही इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या बनता आपका, देखिए आप 0.75 को लिख दें दोस्तों 7.5/10 और वैसे ही आपका आएगा गुणा 7.5 को आप मत छेड़ें, वैसे ही लिख दें और फिर आपका माइनस आता है दोस्तों 2 × 7.5 को आप वैसे ही लिख देंगे और जो आपका 0.25 है दोस्तों उसे आप लिख देंगे 2.5/10, ये आ गया आपका और बचा दोस्तों आपका प्लस का 2.5 × 0.25 को आप लिखेंगे दोस्तों 2.5/10। अब इसे देखिए आपका क्या बना दोस्तों, आप देखते हैं सभी में आपका 10 कॉमन है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो 10 को आप बाहर ले लेंगे तो आपका क्या बनेगा, 7.5 × 7.5 −2 × 7.5 × 2.5 और प्लस दोस्तों आपका 2.5 × 2.5। तो आप आराम से देखें दोस्तों, यदि आप इसको ए मान लें और दोस्तों आप 2.5 को बी मान लें तो आपका क्या फॉर्मूला बना, 1/10 आपने बाहर लिया दोस्तों, 1/10 आपने बाहर ले लिया तो अंदर आपका ब्रैकेट के अंदर बचेगा दोस्तों a² − 2ab और प्लस आपका b². कहने का मतलब आपका कौन सा फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, ऊपर वाला आप थोड़ा सा मिटा दें, ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए 1/10 आपका बाहर आ गया तो अंदर आपका बचता है दोस्तों a − b² a − b करेंगे दोस्तों आपको क्या मिलेगा, ये आपका दोस्तों 5 मिलेगा, तो 5 का वर्ग करेंगे तो आपको 25 मिलेगा दोस्तों, ये थोड़ा सा मिटा लें इधर, तो यहाँ पर देखिए आपको मिलेगा दोस्तों 25/10 तो 25/10 करेंगे तो आपको 2.5 मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2.5 पहला वाला सही हो जाएगा, ए वाला आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, a + b + c बराबर आपको दिया है 13 और a² + b² + c² बराबर आपको 69 दिया है, तो आपको ab + bc + ca बराबर बताना है क्या होगा। इसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, a + b + c का जो होल स्क्वायर होता है दोस्तों वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है a² + b² + c² और आपका प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर ab + bc + ca, तो ये दोस्तों आपका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए इनमें से आपको दिया है दोस्तों a + b + c का वैल्यू आपको यहाँ पर दिया रख देंगे आप, 13 दिया है, 13 का स्क्वायर कर देंगे बराबर दोस्तों आपको ये वाली वैल्यू दी है 69 तो आप रख देंगे और प्लस आपका 2 अंदर आपको जो पूछा गया है ab + bc + ca तो ये आप वैसे ही रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए आप जब 13 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको 169 मिलेगा, 169 मिलेगा और 69 को आप इधर लाएंगे दोस्तों आपका माइनस बन जाएगा बराबर दोस्तों आपका 2 अंदर आपका वही आ गया
ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आप जब इसको निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, दो को दोस्तों इधर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, आपने घटाया तो आपको क्या मिला दोस्तों, यहाँ पर आपको 100 मिला, घटाने पर यहाँ पर आपको 100 मिला, और बट्टे दोस्तों आप दो कर देंगे क्योंकि आपका दो को इधर ले आएंगे, तो ये आपको 50 देगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, 50। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 50 संख्याओं का औसत आपको 36 यहाँ पर ज्ञात किया गया, बाद में पता चलता है दोस्तों कि संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई थी, तो आपको शुद्ध औसत बताना है। देखिए दोस्तों, आपका एवरेज वाला क्वेश्चन ज़रूर आता है, एक क्वेश्चन तो आपका अवश्य ही आता है दोस्तों औसत वाला, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता, आराम से आप क्या देखेंगे क्वेश्चन को आप पहले आराम से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, आपके 50 आंकड़े हैं जिनका दोस्तों औसत यहाँ पर आपको 36 दिया है, अब बाद में पाया गया दोस्तों 48 के स्थान पर 23 रखा गया, अर्थात दोस्तों यहाँ पर देखिए थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम नंबर रखा गया, तो आपको सही बताना है आंकड़ा क्या होगा। तो पहले काम आप क्या करेंगे दोस्तों, आप 50 × 36 कर देंगे, कुल आप निकालेंगे, टोटल आप निकालेंगे, टोटल बराबर होता है दोस्तों आपका औसत, औसत आपका 36 हो गया, गुणा दोस्तों आपके आंकड़े जो भी हैं, आपके 50 हैं तो आप 50 से गुणा कर दें, तो ये दोस्तों आपको गुणा करने पे क्या मिलेगा, देखिए 0 का 0 हो गया, और 5 × 6 30, और 5 × 3 15 और 18, तो ये आपका 1800 आपका दोस्तों टोटल आ गया। अब यहाँ पर देखिए, इसमें कमी कितनी हुई दोस्तों, वो निकालने के लिए आप कमी निकालने के लिए क्या करेंगे, कमी जो आपकी हुई थी वो आपकी हुई थी 48, और माइनस 23 करेंगे दोस्तों आपको 25 मिलेगा, 25 मिलेगा, तो 25 दोस्तों पहले कम जोड़ा गया, तो आप इसमें दोबारा से 25 को ऐड करेंगे, तो आपका बनेगा दोस्तों 1825 बन जाएगा, आपने ऐड कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें दोबारा से आपको औसत निकालना है, तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर आपका पूरा योग, योग आपका यहाँ पर ये हो गया, बट्टे दोस्तों आप करते हैं टोटल आपके आंकड़े 50, तो इससे आप भाग देंगे, तो देखिए आपका 0 है तो आपका एक स्थान पर आप दशमलव लगा दें, और भाग दे देंगे तो आपका देखिए 5 × 3 15, और 5 × 6 30, और एक स्थान पर आपने दशमलव लगाया तो ये आपका 36.5 दोस्तों आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको देखिए निकालना है रूट, वर्गमूल वाला दोस्तों एक क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है, तो रूट आपका 176 प्लस अंदर फिर छोटा रूट, आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर देखेंगे 2401 आपका दोस्तों दिया है छोटे वाले रूट के अंदर। तो पहले दोस्तों आप हमेशा याद रखेंगे, बड़े वाले रूट को दोस्तों आप वैसे ही लिखते हैं, वैसे ही उतारेंगे, तो आपका देखिए 1700 यहाँ पर देखिए क्या है, 176 है, तो इसको आप वैसे ही उतारें, प्लस जो छोटा वाला रूट है दोस्तों उसे आप पहले सॉल्व करें। 2401 का आपको वर्गमूल पता होना चाहिए। आप दोस्तों सिंपल मेथड है, बहुत सारी मेथड है होती है वर्गमूल की, कोई भी आप मेथड निकाल के लगा के निकाल दें, तो 2401 का दोस्तों आपका जो होता है वो आपका 49 होता है। अब इनको आप दोनों को ऐड करें, ऐड करने पर दोस्तों आपको क्या मिलेगा, देखिए 225 मिलेगा, जो कि दोस्तों आपका 15 का वर्ग होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 6a + 6b = 84 है, तो आपको बताना दोस्तों ए और बी का औसत क्या होगा। आप क्या करेंगे दोस्तों, देखिए औसत निकालने के लिए पहले आपको 6a + 6b दिया है बराबर 84, तो यहाँ से दोस्तों यदि आप 6 को कॉमन ले लें तो आपको a + b बराबर मिलता है दोस्तों, आपको 6 को आपने कॉमन ले लिया बाहर, तो 6 दोस्तों यहाँ चला जाएगा, तो आपका 84/6, 6 चूँकि आपने कॉमन लिया दोस्तों बाहर, तो यहाँ गुणा कर रहा था, तो जब आप इधर डालते हैं दोस्तों तो यहाँ पर भाग करेगा, तो ये आप समझेंगे, भाग देने पर दोस्तों आपको क्या मिलेगा, देखिए ये आपका 14 मिलेगा। अब आपको निकालना है दोस्तों औसत, ए और बी का औसत कहने का मतलब है आपका a + b, क्योंकि औसत का देखिए दोबारा आप देख लीजिए, औसत बराबर आपका समीशन अपॉन दोस्तों नंबर टोटल आंकड़े मतलब, तो यहाँ पर देखिए आपका ए समीशन कितना है, a + b हो गया, बट्टे आंकड़े आपके 2 हैं ए और बी, तो a + b आपका 14 आ गया दोस्तों, और बट्टा 2 करेंगे तो आपको 7 मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे मैथमेटिक्स की, उम्मीद आपको समझ में आए होंगी, बहुत ही आराम से बताए दोस्तों ताकि आपके समझ में आए, यदि आपको कोई भी तब भी कन्फ्यूजन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें, ताकि आपको जो भी कन्फ्यूजन है दोस्तों बाद में हम आपको दूर कर देंगे आपका। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियोज़ में नए क्वेश्चन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।